तो मेरी सुबह कुछ ऐसे होती है, आंखें मसल मसल के जैसे तुम्हारी होती है। और मुझे भैया शक्ल देख के जज मत कर लेना, क्योंकि इस साल हो रही हूँ मैं 26 साल की। सो एज यू कैन सी, मेरी भाई आज भी नहीं आई, तो मुझे सारे काम आज भी करने पड़े। सुबह मैंने बर्गर खाया और काम कर लिए सारे, और रेडी होके हम निकल गए एक बहुत अच्छे काम के लिए। और ये है मेरे एजी, मराठी में अहो। तो हमारी शादी पक्की हो चुकी है, हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे को परेशान करने वाले हैं और एक दूसरे का जीना हराम करने वाले हैं। हम मुंबई में मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैंने मेरे मम्मी पापा के लिए बेटा ही ढूंढ के ला दिया। और हम यहाँ आए हैं, अब तुम देखो क्या क्या करने वाले हैं। ये मेरे पापा गुस्से वाला मुंह बनाते हुए, वैसे ये तो हमेशा ही गुस्से वाला मुंह बनाते, कभी भी नहीं हंसते, और हंसेंगे तो बहुत ज़्यादा हंसेंगे। यहाँ हम डॉक्यूमेंट्स समझते हुए, अब तुम्हें तो देख के समझ ही गया होगा हम कौन से काम के लिए आए हैं। तो ये है मेरे एजी की ड्रीम बाइक, वैसे वो ड्रीम बाइक थी भी नहीं, सपने तो सारे मैंने ही दिखाए थे, क्योंकि इनको बाइक का खुमार अभी अभी चढ़ा है, ज़िंदगी में कभी बाइक का सोचा नहीं था। तो मेरे देखे हुए सपने खुद के सपने बना लिए और पूरे कर लिए। हाय ये बड़े मेहनत ही है वैसे। अब ये जा रही है अपने घर पे और मैं भी चली पापा के साथ गाड़ी में। तो ये चली मैं पापा के साथ और खुद की शक्ल बार बार निहारते हुए हम गए पेट्रोल पंप पे, टायर प्रेशर ठीक किया और पेट्रोल भी भर दिया। और मैं सोचने लगी पापा क्या सोच रहे हैं, तो फिर से सोचा कि खुद की शक्ल निहार लूँ दो मिनट। लगता है सोनी तो मैं नहीं सोनी तो मैं नहीं आ, मैं बस बहुत ही ज़्यादा मासूम दिख दिया। और मेरे जी ने बेचारे मासूम से सिर्फ फूल लेके आ गए, माला तो लेके ही नहीं आ गए। माला बना के, गाड़ी की पूजा करके, हवा तो ऐसे आ रही थी कि जैसे उड़ा के ही लेके जाए, लेकिन मैं तो मस्त खाते पीते घर की हूँ। और ये मेरी जी मुझसे पूछते हुए क्या करना है करके नारियल फोड़ दिया। देखो इनके फर्स्ट ड्राइव, इनके चेहरे पर का नूर देखो, नूर, पहली ड्राइव करके क्या खुशी हो रही है, मेरे को भी हो रही है यार। अब मैं इनके साथ चली गई छोटी सी ड्राइव, और ये मुझे बता रहे हैं कि मैं अपनी पहली बाइक की फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ। मैं बोली डालो, फिर सोचे कि चलो कुछ अच्छे फ़ोटोज़ लेते हैं, और हम चीयर्स करके चले गए नीचे इनका फ़ोटोशूट करने। इनकी वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर भी मैं ही हूँ। ये हमारा कम से कम चौथा या पांचवा शॉट होगा, क्योंकि पांच शॉट में से दो बार तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गई, और दो बार ट्यूनिंग और टाइमिंग ही सही नहीं बैठी, तो मैं इनसे पांच शॉट लेने लगवाई। मज़े तो इनको भी आ रहे थे, बट दिखा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, जल्दी लो, देखो क्या मज़े से ड्राइव करते आ रहे हैं यार। अब यहाँ तक यार मैं बुरी थक गई, बहुत तेज़ भूख लग गई थी। मैं बोली चलो बाइक बंद करो, कुछ खाने चलते हैं। देखो ये फॉर्मेलिटी के लिए देखते हुए मन में तो सोच रहे होंगे क्या मेरे को परेशान कर दिए दिन भर वीडियो रिकॉर्ड करके, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि मेरे को चुटुरपुटर मिल गया और इनको भी चुटुरपुटर मिल गया। ये अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्किल्स दिखा रहे हैं अभी। ये देखो चंदा मामा हमारे, और मैं चिप्स कुरकुरे दिखाते हुए, ऑटो टैक्सी जा रही है अभी, और हम जा रहे हैं घर। घर जाके हम चिप्स कुरकुरे खा लिए और फिर रात को डिनर कर लिया। और मुझे सब्जी इतनी ज़्यादा तीखी लगी कि आँखों से आंसू और कान से धुआं निकल गया, और मैं फ्रिज से केक लेके आ गई। अब नई बाइक ली है तो नाइट ड्राइव बनती है कि नहीं बनती है। हम गए नाइट ड्राइव करने, और तुम्हें कैसा लगा ब्लॉग बताना ज़रूर।